कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकलन इंटीग्रेशन dx / √8 + 3x - x² का क्या मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसी को फिर से लिखा dx / 8 + 3x - x². सबसे पहले हम इसकी तुलना करके इसमें हम मानों को पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से, कुछ इसकी स्टेप ऐसी होगी, बराबरी से एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं क्या dx / यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या 8 माइनस, तो क्या हो जाएगा x² - 3x। ठीक, अब इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है कौन सा, हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबरी से क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे इन दो पदों की इससे हम तुलना करेंगे तो क्या a स्क्वायर बराबरी से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x² माइनस माइनस है इसलिए प्लस 2ab इक्वल टू 3x। ए की वैल्यू क्या आ गई x, 2 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा ab बराबरी से 3/2x। ए यानी कितना x, ए यानी हमारे पास था x, मतलब क्या x गुणित b बराबरी से 3/2x। तो x से x कट गया, किसका मान आ गया b का मान कितना 3/2। b का मान 3/2 क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग चाहिए तो b वर्ग चाहिए, तो b वर्ग का मतलब क्या होगा 3/2 पूरे का वर्ग, मतलब 3 3 9 2 2 4 ये 8 में से क्या 9/4 को हमको निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसी को कुछ इस ढंग से लिख देंगे क्या इंटीग्रेशन dx / √, मान को ध्यान से समझिए क्या 9/4 को निकालना है, मतलब 9/4 को जोड़ भी दो तो क्या लिखूंगा मैं 8 धन 9/ कितना 4, 9/4 को निकाल यहाँ माइनस x² - 3x ठीक है प्लस 9/4। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए, ये प्लस 9/4 जरूर लिखा लेकिन यहाँ माइनस इसको माइनस कर देगा इसलिए ये दोनों पदों का हल जीरो हो जाएगा, अर्थात इस पद को जोड़ने और घटाने से मान में कोई अंतर नहीं आए, लेकिन यहाँ क्या अंतर आएगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इंटीग्रेशन क्या dx / √ 4/32 32 9 41, तो ये क्या हो जाएगा 41/4 ऋण, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्या x ऋण 3/2 पूरे का क्या वर्ग। इसको अब हम करनी के अंदर लिख के पूरे की घात 2 लिखेंगे, लेकिन 4 पूर्ण वर्ग है तो 4 पूर्ण वर्ग को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, करनी के अंदर केवल क्या आएगा 41। तो आगे तो क्या लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन dx / √ करणी 41/2 पूरे का वर्ग ऋण x ऋण 3/2 पूरे का क्या वर्ग। अब हमारे पास यहाँ फार्मूला लगाएं, चूंकि फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला क्या देखिए इंटीग्रेशन क्या dx / √ a² - x² हो तो हम इसको लिखते क्या साइन इनवर्स x / a, ये हमारे पास क्या हो गया फार्मूला। इस फार्मूले के ऊपर हम इसको चेंज करेंगे, इस फार्मूले के ऊपर जब चेंज करेंगे तो ये मान क्या आ जाएगा देखिए इक्वल टू साइन इनवर्स।
क्या होगा, x माइनस 3 बाय 2 बाय अंडर रूट 41 बाय 2 प्लस c। इसको जब हल करेंगे तो आगे इसी की स्टेप बनेगी, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 41 प्लस c। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।